Hello everyone. So in this session, we're going to discuss about the second part of modern Indian history, that is 1857 to 1947. Second loop है ये हमारा. पहला loop हम देख चुके हैं last session के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए, I have already told you, history पढ़ने के लिए आपको threads चाहिए, आपको एक direction चाहिए. और हमने बताया था कि modern Indian history paper के लिए बहुत जरूरी है, अगर 20 questions आते हैं, तो फर्स्ट लूप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चार क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इतना नहीं है, पर रिलेटिवली. और उसके अंदर हमने देखा था, इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगता है, उसमें जो मिनिस्टर्स थे, जो टैलेंटेड मिनिस्टर्स थे, वो अपना अपना छोटा छोटा राज्य लेके अलग हो जाते हैं, बंगाल, हैदराबाद एंड ऑल, राइट. आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इन सब के बीच में जीत के कौन बाहर निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी. सरप्राइजिंग, एक बाहर की बिजनेस कंपनी इंडिया में जीत के निकल आती है. कोई बात नहीं. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके 1857 तक. देखिए, किसी भी एरिया में, किसी भी देश में कोई भी अगर रिवोल्यूशन होना है, तो कॉमन मैन जो होता है वो स्ट्रेंथ होता है. हमेशा ये याद रखेगा, कॉमन मैन जो होता है वो भीड़ इकट्ठा होती है, वो स्ट्रेंथ देता है रेवोल्यूशन को. लेकिन ये लीडर्स नहीं होते, इन्हें डायरेक्शन दिखाने के लिए लीडर्स चाहिए. ये क्योंकि भीड़ जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, लीडर्स चाहिए. अब 1707 से 1857 में देखिए क्या है, इंडिया में बाहर से कोई इंसान आए और इंडिया करने लग जाए, ये नया नहीं था. मुगल्स बाहर से आए थे, तुगलक्स बाहर से आए थे, खलजीज बाहर से आए थे, कुशांस बाहर से आए थे, कनिष्क एंड ऑल, इंडो ग्रीक्स बाहर से आए थे. तो इंडिया के अंदर बहुत सारे राजा बाहर से आए और इंडिया पे राज करने लग गए. लोगों को ये चीज हम पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे. और आप देखिए, उन लोगों ने इंडिया के अंदर सेटल होने का डिसीजन लिया, तो वो इंडिया से जितना भी पैसा कमाते थे वो इंडिया में ही खर्च कर देते थे. भाई, पार्क बना दिया, ताजमहल बनवा दिया, चीजें बनवा दी, क्योंकि अब ये उनका घर था, तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट भी करनी थी, तो यही इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाता था. पर प्रॉब्लम क्या थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करने आई, ये इंडिया में रुकने नहीं आई थे. इन्हें पहले दिन से पता था इन्हें वापस जाना पड़ेगा, इसलिए ये इंडिया से जितना भी पैसा लूटते थे वो इंडिया में लगाने की बजाय बाहर लंदन ले जाते थे, अपने घर ले जाते थे, वहां पे खर्च करते थे. तो इन लोगों ने इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट कर दी, इंडिया को लूटना स्टार्ट कर दिया. तो ये फर्क था जो लोगों को इनिशियली समझ नहीं आएगा, देखो लेट समझ आएगा, वरना इंडियन लोगों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी राज करे या मराठास राज करें कोई अलग चीज नहीं थी. क्यों? ये पहले भी हो चुका था, ये कोई नई चीज नहीं थी. तो हमें ब्रिटिशर्स से आज सच कोई दिक्कत नहीं थी, पर जिस दिन पता चलेगा ना कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी जितने भी राजा थे, अकबर वगैरह जो भी, वो इंडिया में सेटल हो गए, लूटने नहीं आए थे. लेकिन ये पहले दिन से इन्हें क्लियर है कि ये हमें लूटना ही है, जितना मिले ले लो बस इंडिया से. तो ये इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. और ये नेचुरल टेंडेंसी है, अगर कोई इंसान किसी को एक्सप्लॉइट करेगा तो रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा. तो आप देखिए हुआ क्या, 1707 से 1857 जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइट करती थी, तो लोग प्रॉब्लम लेके कहां जाते थे, जो उनके लीडर्स थे, जो हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज लीडर्स कौन थे, उनके किंग्स एंड रूलर्स. किंग और रूलर के पास जाते थे, और किंग, देखो राजा का काम करने का तरीका सॉर्टेड है, वॉर. उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, वॉर करो, या तो पूरा जीत जाएंगे या पूरा हार जाएंगे, मिडिल ग्राउंड आना बहुत मुश्किल है उनके केस में. तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह किया. ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो वेपन मॉडर्नाइजेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. अब हमारे राजा तलवार लेके खड़े हैं कि हम 10 हाथियों को हरा देंगे, आओ तो सही. वो दूर एक पिद्दा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर बैठा है, वो शूट कर रहा है, किस्सा खत्म. तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी बेस्ट आर्मी उस टाइम पे वर्ल्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और नेवी भी बहुत अच्छी थी. तो आप देखिए, उसने रूलर्स को हटा दिया. तो 1707 से 1857 पे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती है, जो कि खाली बिजनेस करने आई थी, और रूलर्स जो है वो डायरेक्शन ढंग से नहीं दिखा पाए. वो लड़े पर वो हार गए. ब्रेवली दे फॉट बट दे लॉस्ट, राइट. और ये वही टाइम है ब्रिटेन आया था, तो मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन भी आया था, सिविल सर्विसेज भी आया था, रेवेन्यू सिस्टम भी आया था, पुलिस जुडिशरी सारी चीजें आई थी जब ब्रिटेन आया था, सेकुलर एजुकेशन वगैरह स्टार्ट हुई थी. देखिए इसी टाइम के अंदर इंडिया में एक और रूलर्स तो थे जो लोगों की बात सुनते थे, पर एक और क्लास थी जिसे हम कहते हैं
एक नई क्लास पैदा हुई एक्चुअली, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ईएमसी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये वो पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें इस एजुकेशन के बेनिफिट्स उठाने का मौका मिला, क्योंकि ब्रिटेन ने इंडिया में सेकुलर एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत सारे लोग ये पढ़े, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, अपना वो आर सी दत्त, बहुत सारे लोग हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो ये मॉडर्न एजुकेशन का लाभ उठा पाए। तो ये लोग ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज से खुश तो नहीं थे, खुश तो नहीं थे, पर इनका ये मानना था कि देखिए, देखो क्या है, ये लोग बाहर भी जा चुके थे, लंदन भी जा चुके थे, तो अगर आप लंदन जाओ, लंदन में बहुत अच्छी वो फंडा राइट्स वगैरह दी गई थी लोगों को, लोगों को कुछ भी बोलने की, कहीं भी जाने की आजादी थी। तो इन्हें क्या लगता था कि अगर ब्रिटिश सरकार इंडिया पे रूल करेगी तो वो भी जैसे लंदन मैनचेस्टर में राइट्स देती है वैसा इंडिया में देगी। हालांकि ये गलत सोच रहे हैं, लंदन और मैनचेस्टर उनका अपना एरिया था, हमारे यहाँ ही लूटने आए थे, बट स्टिल इन्हें क्या लगता था, क्योंकि ये लंदन घूम आ चुके थे, यूके वगैरह जा चुके थे, तो इन्हें क्या लगता था कि इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स राज करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि वो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, वुमेन को पढ़ने का मौका देंगे, बच्चों की डेवलपमेंट करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन इंडिया में ब्रिटिश सरकार नहीं रूल करती थी, इंडिया में रूल कौन करता था, एक प्राइवेट कंपनी उनकी जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत काम करती थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्या लगता था कि यार ये ना सच नहीं बताते ब्रिटिश क्वीन को जो कि लंदन में बैठी है, क्योंकि जिस दिन उसे पता चलेगा, देखो ये सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान से समझिए, अगर आप मेरे साथ कोई एक सब्जेक्ट पढ़े और मैं नोट्स बनवाता हूँ, मेरा काम है मैं नोट्स बनवाता हूँ हमेशा, जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, और अगर मैं नेक्स्ट, तो आपको पता है कि सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं नोट्स बनाते हैं, तो लेट्स से मैं किसी एक नए बैच को पढ़ाने जा रहा हूँ और वहां का एक बच्चा आके आपसे पूछे कि यार ये सर कैसे पढ़ाते हैं, आप क्या बोलोगे, नोट्स बनवाते हैं। ऑब्वियसली मेरी भी इंटेंशन वही होगी नोट्स बनाने की। तो देखो सेम चीज इंडिया में थी, ब्रिटिशर्स जो है वो अपने लोगों को बहुत सारी राइट्स देते थे, तो हमारे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को क्या लगा अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे तो वो भी राइट्स देंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं थी इंडिया में, एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इन्हें लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी सच नहीं बताती ब्रिटिश क्राउन को, चलो जो भी है। तो वो लूप हम पहले ही देख चुके हैं 1707, जहां पे वॉर्स हैं और बहुत सारी चीजें। 1857 में इंडिया में रिवोल्ट होता है, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि तुम बिजनेस करने वाली कंपनी हो, तुमसे देश नहीं चलेगा, क्योंकि नुकसान उनका भी हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया जाता है, और इंडिया पे रूल करने कौन आता है, ब्रिटिश क्राउन। एंड यू सी इस लूप के अंदर किंग्स वगैरह खत्म, क्योंकि जो जितने भी किंग्स थे या तो वो मर गए जो ब्रिटिश को अपोज कर रहे थे, या उन्होंने सरेंडर कर दिया, लाइक सिंधिया एंड ऑल, तो वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो नाम के किंग थे, पपेट रूलर, तो लोगों की लीडरशिप खत्म हो गई, क्योंकि किंग्स एंड रूलर्स वर गॉन आफ्टर 1857। अब देखिए होता क्या है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ध्यान से समझिए बस, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ये चाहती थी कि इंडिया में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सारे काम हो जाए, दैट इज इक्वल राइट्स आ जाए और ये सब हो जाए। अब तक उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हें क्या लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ये सच नहीं बताती ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के बारे में पता चलेगा, वो इंडिया में भी वही राइट्स देंगी जो उन्होंने लंदन मैनचेस्टर में दिया हुआ। इनका सपना पूरा हो गया, 1857 में इंडिया पे रूल करने कौन आ गई, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर आप देखिए सारे लूटने आए थे, इन्होंने भी इंडिया को क्या स्टार्ट करना, इन्होंने भी क्या स्टार्ट किया, एक्सप्लॉइट करना, इन्होंने भी कोई वेलफेयर नहीं करा, ये भी क्या करने लग गए, एक्सप्लॉइट। किंग वगैरह तो खत्म हो गए थे, ये भी एक्सप्लॉइट करने लगे। तो आप देखिए जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, इनका ना वो भ्रम टूट गया, इनको क्या लगता था ब्रिटिश सरकार अच्छी है, ईस्ट इंडिया कंपनी खराब है, पर इनका ये भ्रम टूट गया कि चाहे ब्रिटिश सरकार हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे के सारे हमें लूटने ही आए। लेकिन आप देखिए लोगों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसा मैंने बताया हमारे लिए नई चीज नहीं थी कि कोई बाहर से आए और रूल करे, तो लोगों को कुछ तो बताना था। देखो कमाल की बात पता है क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कहते थे इट्स अ नाइफ ऑफ शुगर, कि वो आपको काट देती है लेकिन बहुत प्यार से बात करती है। ब्रिटिश सरकार क्या बोलती थी, हम इंडिया में डेवलपमेंट करने आया, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम बर्बाद होते जा रहे थे। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है सरकार, कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हम बर्बाद हुए जा रहे, ऐसा क्या हुआ। तो आप देखिए एजुकेटेड मिडिल क्लास जब इस एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ गई, तो
तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोगों को लीड करेंगे इस एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ, और वहां से स्टार्ट हुई हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। और लोगों को कन्विंस करने के लिए इन्हें वो एक थ्योरी भी मिली जो ब्रिटेन इंडिया में कर रहा था, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि किसने दी, दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और आप देखिए इस लूप के अंदर आपको मिलेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास। लोगों को लीड करने अब कौन आए, पढ़े लिखे लोग। और आप देखिए इनके काम करने का तरीका अलग है। राजा काम कैसे करता था, वॉर। ये वॉर नहीं करते, ये वॉर नहीं करते, ये बड़े देखो एजुकेटेड जो इंसान है, जो मैं आपको भी बोलता हूं, नेवर बी अफ्रेड, नेवर बी अशेम्ड ऑफ लेस नॉलेज एंड नेवर बी एरोगेंट ऑफ मोर नॉलेज। तो इन लोगों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ पेटिशंस डाली, कोर्ट में केस डाले, लोगों को स्पीचेस दी कि ब्रिटिश सरकार गलत कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम नहीं मानते। इन्होंने फिर अपने नोट सुधारे, फिर पहुंच गए, फिर हार गए, फिर अपने नोट सुधारे, फिर पहुंच गए। ये बार बार ब्रिटिश सरकार से हारते रहे, लेकिन देखो मरेंगे नहीं, क्योंकि ये वॉर नहीं कर रहे, ये वो नॉर्मल प्रोटेस्ट करते थे, वायलेंस नहीं करते थे। ये बार बार लड़ते गए, लड़ते, केप्ट ऑन नोकिंग ऑन द डोर। और एक दिन ऐसा आया कि 1947 में ब्रिटिश सरकार को मानना ही पड़ा कि इन्हें इंडिपेंडेंस देनी है। एजुकेटेड मिडिल क्लास में सब हैं, दादा भाई नरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, राइट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो आपकी फ्रीडम के लिए लड़े और फाइनली आपको फ्रीडम दिलवा के गए। तो ये जो सेकेंड लूप है 1857 से 1947, ये आपको पढ़ना है एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास, यहां पर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है, कैसे हम आजादी के लिए लड़े, ब्रिटिश से कभी जीते कभी हारे, पर फाइनली हम 1947 में जीत ही गए। तो आप देखिए ये जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, ये तीन पार्ट्स में वैसे ही चली। कांग्रेस वगैरह जब बने, पहले थे मॉडरेट्स, फिर थे एक्सट्रीमिस्ट, और फिर थे, देखिए नॉर्मली क्या तरीका होता है, अगर आपको किसी से अपनी डिमांड बनानी है तो आप रिक्वेस्ट करते हो, भाई प्लीज कर दे, ना सुने तो आप थोड़ा एग्रेसिवली बोलते हो कि कर दे ना, हीरो का बन रहा है। तो मॉडरेट्स हैं वो जो प्यार से बोलते हैं भाई कर दे, एक्सट्रीमिस्ट जो थोड़े गुस्से में बोलते हैं। तो मॉडरेट्स थे दादा भाई नरोजी, गोखले, एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल, जो थोड़ी गाली देके बोलते थे कि हमें आजादी दो। लास्ट स्टेप होता है वायलेंस। सी पहले आप प्यार से बोलते हो भाई कर दे, भाई कर दे, उसके बाद आप उसे पीटते हो कि सुन नहीं रहा, कर दे। लेकिन इंडिया में वायलेंस आने की बजाय इंडिया के अंदर कौन आ गए, गांधी। और भाई वो तो इस स्टोरी के क्या हैं, हीरो। उन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी दी सत्याग्रह की कि ब्रिटेन भाग खड़ा हुआ। इस पूरे लूप के, पूरी पिक्चर के हीरो हैं हमारे गांधी। चेस चलती है ब्रिटिश सरकार और गांधी के बीच में। ब्रिटिश सरकार एक चीज करती है, गांधी एक चीज करते हैं। आप फैन हो जाओगे इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। गांधी, सी गांधी इज द ओनली लीडर फ्रॉम जहां पर ब्रिटेन ने राज किया जिसकी फोटो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में लगा रखी है, वरना हम गुलाम लोगों को क्या ही समझते हैं, क्योंकि वो फैन हो गए कि यार ये बंदा क्या खेल के गया यार हमारे साथ। आप देखिए अपने मेथड्स पे अड़े रहे, इनके खिलाफ बहुत सारे लोग हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, बहुत सारे हुए, लेकिन आप देखिए अपने मेथड्स पे अड़े रहे और आप देखिए सत्याग्रह ने ही आपको आजादी दिलवाई। तो आप देखिए इस मॉडर्न इंडियन स्ट्रगल के अंदर आपका थ्रेड है फ्रीडम स्ट्रगल, कि कैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को बुना, कैसे लोगों को बताया कि ब्रिटेन कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। इनमें भी बहुत दिक्कतें हुई, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बोस वर्सेस गांधी, नेहरू वर्सेस गांधी, अपना भगत सिंह एंड ऑल। तो आप देखिए बहुत इश्यूज होंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आपको आजादी दिलवा के जाएंगे ये लोग। तो ये जो सेकेंड लूप है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इट इज ब्रिलियंट। इट इज अ थीम वेयर फ्रीडम स्ट्रगल विल बी फॉट। ब्रिटिश क्राउन सीधा रूल करने आ गया था इंडिया पे, तो फ्रीडम स्ट्रगल होगी। और इस पूरी मूवी के हीरो कौन है, गांधी। मूवी के हीरो कौन है, गांधी। तो इस लूप में हम ये देखेंगे, राइट। तो आप देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर पूरा स्टोरी है, आप देखिए रट्टा नहीं है कुछ, हमेशा पूरा पैटर्न है जो हम आगे एनालाइज करेंगे। तो यू नो आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कैसे चलेगी, कैसे हमें करना पड़ेगा, राइट। सो थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड इट। एंड बहुत सारी स्टोरीज हैं,
in due course in next sessions I'll let you know. And yes, I've already told we are launching a new online batch of history on 18th of January, right? So make sure to enroll. The description is in the so the link is in the description box, right? So aap wo pura analyze kar sakte hain aur history enjoy karke padho. Bahut achhi cheez hai, you will love it, right? Thank you.